पीके हैं जो प्रशांत किशोर जिनका नाम है, वो जीवन भर व्यवसाय किए हैं। वो क्या बोलते हैं कि हम किसी भी चुनाव में 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ से भी ऊपर रुपया लेते हैं, तब हम प्रचार करते हैं। अगर ये जो चुनाव है जातीय आधार पे है ही नहीं, ये सिर्फ विकास की लड़ाई है। रील बनाना और रियल बनाना में दोनों में अंतर होता है। प्रशांत किशोर रील के हैं और रील में लोग कॉमेडी देखता है, वैसा ही है रील में बोलना और रियल में करना, सब पता चल जाएगा। चुनाव में आए हैं ना, प्रत्याशी चेंज कर रहे हैं। हम लाइव देख रहे थे, लाइव में ये बोल रहे थे कि हम मोदी जी को ही नारा दिए थे, हर हर मोदी, घर हर मोदी, नीतीश कुमार का नारा दिए थे बिहार में, बाहर आपका विजय कुमार है। तो पांडे जी जिस कार्य को किए हैं उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है, तो यहाँ की जनता के दिमाग एकदम साफ है, विचार साफ है। अच्छा, ये जनसुराज ये निकल कर आ रही है तीसरी पार्टी, देखिए हम लोग एक चीज बताते हैं, हम लोग दूसरी। अच्छा सर, ये जो जनसुराज वाले हैं बार बार टारगेट कर रहे हैं आपके जो प्रत्याशी है उन पर, क्योंकि ये विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर नवजोर वगैरह जो है पूजा पाठ में, हमारे नगर परिषद में किस तरह से वोटिंग करवाएंगे जो ये बीजेपी के जो उम्मीदवार है विशाल प्रसाद जी, किस करथ बाजार में है, करथ गाँव में है। और आपको बता दें कि यहाँ पर बीजेपी के कई कदावर जो है कार्यकर्ता मौजूद हैं, लीडर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं किस तरह से तरारी विधानसभा उपचुनाव में जो है ये लड़ रहे हैं, किस तरह से फाइट कर रहे हैं। सर स्वागत है। पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी तरारी की मतदाता हैं उनको मैं अपील करूंगा कि आप भाजपा को वोट करें और एक बार हमारे कमल निशान पर वोट मारकर विशाल प्रशांत जी को विजयी बनाएं। क्या उद्देश्य क्या है, भाजपा को ही वोट लोकप्रिय करें? देखिए, वोट इसलिए करना है कि विकास सबसे बड़ा मुद्दा है। आपने 10 साल से देख चुके हैं कि माले के जो विधायक रहे हैं आज तक विकास की कोई भी कार्य जो है उचित वो नहीं करा पाए हैं। इसलिए देखिए, न जात पात को नहीं देखते हुए कम से कम विकास को मुद्दा बनाकर एक बार भाजपा को वोट कीजिए और विशाल प्रशांत जी को विजयी बनाएंगे। अच्छा, ये जनसुराज ये निकल कर आ रही है तीसरी पार्टी, देखिए हम लोग एक चीज बताते हैं, हम लोग दूसरी पार्टी की बात क्यों करें जब हम लोग सिर्फ, हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग की किसी से लड़ाई नहीं है, हम लोग सीधा ये है कि हम लोग जीत रहे हैं और बाहरी मतों से जीत रहे हैं। जो आप बात बोले कि किसी से लड़ाई नहीं है, हम जीत रहे हैं, लेकिन यही बात ये सभी पार्टियां कह रही हैं, बीजेपी तो कहीं रही है, माले वाले भी कह रहे हैं और इधर फिर से जनसुराज आई है। नहीं नहीं, ठीक है, आपकी आप जो बोल रहे हैं कि माले के लोग भी बोल रहे हैं, लेकिन ये तो जनता 13 तारीख को बता देगी कि किससे लड़ाई किसकी है। ये तो आपके सामने आएगा, रिजल्ट आते ही आपको पता चलेगा कि हम लोग की क्या स्थिति है और हम लोग अच्छी तरह से, और ये भी नहीं है कि हल्का फुल्का जो 1-2 हज़ार वोट से, हम लोग कम से कम 20 से 25 हज़ार वोटों से जीतेंगे। देखिए, आपको बता दें कि ये धीरू सिंह जी हैं, ये पीरो नगर परिषद से सभापति का चुनाव भी लड़ चुके हैं। आपका नगर परिषद, आपने नगर परिषद में किस तरह से वोटिंग करवाएंगे जो ये बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं विशाल प्रसाद जी? किस तरीके वोटिंग है, सभी मतदाताओं को जागरूक करेंगे और सभी को बोलेंगे कि अपने घर में से सभी आदमी लोग पहले वोटिंग करें, उसके बाद किसी तरह का अपने घर में जा। भी काफी मजबूत है। जी जी, आपकी चिराग पासवान का आगमन हुआ था। हाँ जी, चिराग पासवान जी का आगमन हुआ था, वो तरारी में उस समय शायद हम नहीं पहुंच पाए थे, उसके लिए हमें खेद है। लेकिन नहीं नहीं, देखिए अगर ये जो चुनाव है जातीय आधार पे है ही नहीं, ये सिर्फ विकास की लड़ाई है। जो विकास को महत्व देते हैं वो सिर्फ विकास के लिए ही वोट करेंगे। क्या कहिएगा सर, किस तरह से आप लोग देखते हैं चिराग पासवान जी का भी आगमन हुआ, मुख्यमंत्री जी का शायद देखें कि पता चला कि आगमन हुआ है? देखिए, ये सारे लोग जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है सभी लोग आ जा रहे हैं, लेकिन ये तरारी विधानसभा की जो चुनाव हो रही है ये विकास के लिए हो रही है। विगत सुनील पांडे जी का जो किया हुआ कार्य था, जो उसको मेंटेनेंस नहीं कर पाए सुदामा प्रसाद जी, 10 साल यहाँ पे विधायक रहे और पूरे तरारी को गत में मिला दिए, और जिस तरह से जातीय उम्दा, जातीय द्वेष, जातीय बात करके वो केवल यहाँ पे 10 साल विधायक रहे हैं। आज की स्थिति है कि जो सुनील पांडे जी जिस कार्य को किए हैं उसका मेंटेनेंस नहीं हुआ है, तो यहाँ की जनता के दिमाग एकदम साफ है, विचार साफ है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी एनडीए को वोट देना है और भारी बहुमतों से जिताना है। अच्छा सर, ये जो जनसुराज वाले हैं बार बार टारगेट कर रहे हैं आपके जो प्रत्याशी हैं उन पर, क्योंकि ये विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर नवजोर वगैरह जो है पूजा पाठ में, हमारे प्रत्याशी इसके बारे में तो कहा, जो विशाल प्रशांत जी है उन्होंने कहा कि ये फेक फोटो है। तो ये जो नई, देखिए, एक होता है राजनीति, राजनीति सेवा होता है और एक व्यवसाय होता है। तो जो पीके हैं, जो प्रशांत किशोर जिनका नाम है, वो जीवन भर व्यवसाय किए हैं। वो क्या बोलते हैं
कि हम किसी भी चुनाव में 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़ नहीं, 100 करोड़ से भी ऊपर रुपया लेते हैं, तब हम प्रचार करते हैं। तो हम उनसे पूछते हैं आपके इस मीडिया और आपके चैनल के माध्यम से कि प्रशांत किशोर जी, जब आपने इतना पैसा कमाया है तो समाज के लिए क्या किया? क्या आपने गाँव में, क्या आपने गाँव में एक स्कूल खोला है जो कि इसमें बच्चे फ्री में पढ़ाई करें? क्या आपने क्षेत्र में कभी किसी गाँव में या अपने ही गाँव में कोई एक हॉस्पिटल खोला है जिसमें वहाँ के लोग का फ्री इलाज हो? तो सेवा करना और बिजनेस करना बहुत अंतर होता है, और यहाँ की जनता समझ चुकी है। यहाँ की जनता सुनील पांडे का काम देखा है, और उनका जो बेटा है जो प्रत्याशी इंजीनियरिंग किया हुआ है, विशाल प्रशांत इंजीनियरिंग के छात्र हैं और ये नौजवान है जिनके जो बचपन से देखे हैं कि विकास कैसे, वो हर घर हर लोग से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, और जनता की यही की मांग है कि यहाँ पे एनडीए का सरकार। प्रशांत जी का हम लाइव देख रहे थे, लाइव में ये बोल रहे थे कि हम मोदी जी को ही नारा दिए थे, हर हर मोदी, घर हर मोदी, नीतीश कुमार का नारा दिए थे बिहार में, बाहर तो विचार कुमार है, तो आपका विचारधारा क्या है? आप बंगाल में भी चुनाव लड़ाने जाते हैं, आप नीतीश जी का भी कह रहे हैं, आप बीजेपी क्या कर रहे हैं, तो आपका तो कोई विचारधारा ही नहीं है। आपने जनता के लिए क्या किया है? रील बनाना और रियल बनाना में दोनों में अंतर होता है। प्रशांत किशोर रील के हैं और रील में लोग कॉमेडी देखता है, वैसा ही है रील में बोलना और रियल में करना, सब पता चल जाएगा। चुनाव में आए हैं ना, प्रत्याशी चेंज करना पड़ा, प्रत्याशी उनको पता नहीं है कि जिनका हम जिनको चुनाव लड़ रहे हैं उनका वोटर आईडी कार्ड नहीं है, और जब बिहार में वोटर में नाम नहीं रहेगा तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जब इनको ये पता नहीं है तो ये क्या करेंगे? अभी आए हैं जमीन पे, इनको दूध और पानी का भाव मोल सब पता चल जाएगा, सब पता चल जाएगा। देख सकते हैं बीजेपी के लीडर हैं और प्रशांत किशोर जी को ये तंज कस रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी का जो है जो कोई भी विचारधारा नहीं है, पैसे लेकर काम कर रहे हैं, और जो सरकार में भी आएंगे तो शायद इस तरह से पैसे का जो है लुटखोरी होगी। शायद देखना है ये किस तरह से ये पॉलिटिक्स जो है, ये उपचुनाव जो है, ये तरारी विधानसभा के जो है फाइट कर रहे हैं ये बीजेपी के काफ़ी लीडर जो है, और तमाम जो है मुख्यमंत्री और चिराग पासवान जी का जो है तरारी विधानसभा में आगमन हो चुका है। फिलहाल आप किस तरह से इसको देखते हैं ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। आप लोग देख रहे थे परसुमित लाइव न्यूज़, मीडिया एक्सप्रेशन, वर्तमान 24। थैंक यू, जय हिंद।